टेंथ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 3.3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कवर किए थे और ये प्रैक्टिस सेट का सेकेंड वीडियो है, 3.3 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, वीडियो का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन हो गए थे। सो क्वेश्चन 6, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, फाइंड द 28 टर्म। सम ऑफ 55th टर्म, सम यानी एस 55 दिया है 3300, और 28 टर्म ढूंढना है, दैट इज T28 ढूंढना है। सो क्वेश्चन 6, एस 55 दिया है हाउ मच, 3300। ठीक है, और वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, और बोल रहा है T28 फाइंड करो, 28 टर्म ढूंढने बोला है यानी T28। देखो क्वेश्चन अच्छे से समझो, सम ऑफ 55 टर्म दिया है तो एस 55 दिया है, एंड फाइंड 28 टर्म, सम ऑफ 28 टर्म नहीं बोला है, एस 28 नहीं ढूंढना है, 28 टर्म यानी T28 ढूंढना है। ठीक है, सो अब ये दिया है गिवन, तो यहाँ से सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो एस एन का फॉर्मूला फर्स्ट, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। ऑलराइट, सो एस एन यानी एस 55, एन की जगह इट्स गिवन 55, तो एस 55 इक्वल्स टू 55 अपॉन टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस, ए तो मुझे नहीं पता तो मैं a ही रखूँगा। ठीक है, एन वी गॉट द, हमें एन का वैल्यू पता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, इट्स 55, तो 55 माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं पता ए भी नहीं पता, तो एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एस 55 का वैल्यू वी नो, हाउ मच इज 3300, सो 3300 ऑल राइट इक्वल्स टू 55 अपॉन टू अंडर ब्रैकेट, देखो 55 टू से डिवाइड नहीं हो रहा है तो डोंट डिस्टर्ब, उसको वैसे ही रहने दो, बाद में देखेंगे, अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 55 माइनस 1 दैट इज 54। ठीक है, डी 55 माइनस 1 54 डी। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 कहाँ जाएगा क्रॉस होके, 3300 से मल्टीप्लाई, 55 कहाँ जाएगा, देखो ये इक्वल है ना, तो 2 क्रॉस होके मल्टीप्लाई होगा, 55 क्रॉस होके डिवाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3300 इंटू 2 क्रॉस होके न्यूमरेटर में गया और 55 क्रॉस होके इसके डिनोमिनेटर में आया। ऑलराइट, इक्वल्स टू 2a प्लस 54d। ठीक है, ब्रैकेट डालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 क्रॉस होके उधर चला गया और 55 क्रॉस होके डिनोमिनेटर में आ गया, 2 न्यूमरेटर में गया। नेक्स्ट 11 के टेबल में मैं देख रहा हूँ दोनों डिवाइड हो रहा है, 11 5 55, 11 3 33, 20 कैरी। ठीक है, नेक्स्ट 5 1 5 5 6 30, 0 कैरी। ऑलराइट, सो कंप्लीट हो गया, तो ऊपर क्या बचा है, 60 into 2 62, इट्स 120, सो 120 इक्वल्स टू 2a प्लस, अच्छा यहाँ पर कुछ कॉमन है, हाँ कुछ कॉमन है, वी कैन टेक 2 कॉमन, हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको लेके दिखाता हूँ। ठीक है, या डोंट टेक कॉमन, डिवाइड ईच टर्म बाय 2, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करना है, देखो ना तीनों 2 से डिवाइड हो रहा है रिड्यूस करने के लिए, सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, डिवाइडिंग डिवाइड ईच टर्म बाय 2। ठीक है, सो वी हैव टू डिवाइड ईच टर्म बाय 2, तो क्या होगा, मैं यहाँ पर ही डिवाइड कर देता हूँ, ऑल राइट, और इसको मैं रीजन में डाल देता हूँ ब्रैकेट करके डैश, सो 2 1 2 60 करेक्ट, नेक्स्ट 2 1 2 1 2 1 एंड 2 2 2 4, 1 कैरी, 2 7 14, तो मुझे क्या मिल रहा है, 60, यहाँ पे 60 मिला, इक्वल्स यहाँ सिर्फ a बचा, a प्लस 27d। ऑलराइट, इसको मैं कंसीडर करूँगा इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, एक बार चेक करो, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड T28, हमें T28 ढूंढना है, टू फाइंड हमें क्या ढूंढना है, T28। ठीक है, T28 ढूंढने के लिए मुझे TN का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो क्या है TN का फॉर्मूला, TN इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ऑलराइट, सो T28 ढूंढना है ना, तो n T28,
एन की जगह 28, टी 28 इक्वल्स टू ए प्लस 28 माइनस 1 डी। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट अ मिनट। सो टी 28 इक्वल्स टू ए प्लस 28 माइनस 1 इट्स 27 डी। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ए प्लस 27 डी इक्वल्स टू 60 है फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 के हिसाब से ए प्लस 27 डी इक्वल्स टू व्हाट 60, तो ए प्लस 27 डी। सो टी 28 इक्वल्स टू 60, कहाँ से आया ये 60, फ्रॉम 1, ए प्लस 27 डी इक्वल्स टू 60 है, तो ए प्लस 27 डी की जगह मैंने 60 सब्स्टिट्यूट किया और रीजन लिखूंगा फ्रॉम 1, और बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड द सम, आंसर मिल गया। ठीक है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 7, सेवेंथ क्वेश्चन। इन एन एपी सम ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम, सम मीन्स प्लस, तीनों का प्लस करके इट्स 27 एंड देयर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके इट्स 504। फाइंड द टर्म्स, हमें टर्म्स ढूंढना है। ठीक है, ऑलराइट, देखो वापस, सम करके यानी प्लस करके तीन टर्म है, देर आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब वन आफ्टर अदर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे टू का कॉन्जिक्यूटिव है थ्री, थ्री का कॉन्जिक्यूटिव है फोर, फोर का कॉन्जिक्यूटिव है फाइव, तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, उनका सम यानी प्लस कितना है इज 27, और उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सम मीन्स प्लस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई करके 504, हमें वो टर्म ढूंढने बोला है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में दिया है, अज्यूम करना है, अज्यूम द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन ए पी आर ए माइनस डी ए ए प्लस डी, ये तीन टर्म लेने बोला है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसको अज्यूम करने बोला है। सो फर्स्ट स्टेप जो अज्यूम करने बोला है क्वेश्चन सेवेंथ का, फर्स्ट स्टेप, लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म बी ए माइनस डी ए ए प्लस डी, जो टेक्स्ट बुक में लेने बोला है वही हमने लिया है। बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय द फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वापस मैं आपको एक बार टेक्स्ट बुक में बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है सम, सम मतलब प्लस ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज इक्वल्स 27, तो फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो सम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का सम किया, सम इज, इज मीन्स इक्वल्स हाउ मच 27, ऑलराइट, सम ऑफ, सम मीन्स प्लस, तो तीनों को प्लस कर रहे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों टर्म का सम किया, ठीक है, इज 27। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए कितना होता है 3a, 3a इक्वल्स टू 27, सो ए विल बी 27 अपॉन 3, 3 वन ज़ा 3, 3 नाइन ज़ा, सो वी गॉट ए इक्वल्स टू 9, हमें a मिल गया, कितना मिला a 9, ऑलराइट। अभी आगे आप देखो, फिर और एक कंडीशन दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सो बाय द सेकेंड कंडीशन, बाय द सेकेंड कंडीशन, ठीक है, व्हाट द सेकेंड कंडीशन सेज, कि तीनों का प्रोडक्ट यानी ए माइनस डी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस डी, ये तीनों का मल्टीप्लाई, एस इज मीन्स इक्वल इज हाउ मच 504। ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके इक्वल्स कितना हो रहा है 504। ठीक है, अभी मुझे ए का वैल्यू मिल चुका है, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, है ना, सो 9 माइनस डी अंडर ब्रैकेट, ए की जगह 9 पुट किया मैंने, 9 इंटू 9, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट मतलब इंटू, इंटू 9 प्लस डी इक्वल्स टू 504, ऑलराइट। अभी आप देखो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 9 क्रॉस होके 504 के नीचे जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 9 मिडल वाला, सो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल्स टू 504 अपॉन 9। ठीक है, देखो कभी कभी ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सम रहता है, फिर भी हम लोग को थोड़ा सा, मतलब एज अ टीचर हमें थोड़ा सा उसको स्प्लिट करके बताना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे रहते हैं, कुछ स्लो रहते हैं, कुछ फास्ट रहते हैं, फास्ट बच्चे लोग एक ही बार में समझ जाते हैं, स्लो को थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, सो
ये 9 क्रॉस होके 504 के डिनोमिनेटर में गया. नेक्स्ट यहाँ पर ये डिवाइड होगा, 9 1 ज़ा 9, आई होप जाता होगा, चेक करते हैं. 9 5 ज़ा 45, 5 कैरी 9, 6 ज़ा 54. ठीक है, सो जा रहा है 9 6 ज़ा 54. ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी आप देखो 9 माइनस D 9 प्लस D, ये तो वही फार्मूला है, a माइनस b a प्लस b वाला फार्मूला. ठीक है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, बेसिक में आपने पढ़ा होगा नाइन्थ एट में, a माइनस b a प्लस b. ठीक है, a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला है a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला है a² माइनस b² तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 माइनस d 9 प्लस d तो क्या होगा, 9² माइनस d² ठीक है, इक्वल्स टू कितना बचा, 56. ऑल राइट, 9² 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56. ठीक है, नेक्स्ट डी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 56 को यहाँ लेकर आएंगे तो, या 81 को वहाँ ले जाते कोई इश्यू नहीं, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56 माइनस 81. नेक्स्ट 56 माइनस 81 सो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25. 56 माइनस 81 25, बड़ा नंबर 81, उसकी साइन माइनस, तो माइनस 25. माइनस साइन कैंसल्स बोथ साइड पे, तो डी, अच्छा यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट 25. डी का वैल्यू रहेगा प्लस माइनस रूट 25, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट, और रूट आएगा तो दो साइन, प्लस एंड माइनस, तो डी इक्वल्स टू प्लस 5 और डी इक्वल्स टू माइनस 5. डी के दो आंसर आएंगे, प्लस 5 और माइनस 5. ऑल राइट, सो आगे से सम हम दो पार्ट में करेंगे. देखो हमें ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, बट डी के दो आंसर है तो हमें तीनों टर्म ढूंढना है, ए माइनस डी, ये तीन टर्म वी हैव टू फाइंड ना. सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, ए माइनस डी, दैट इज 9 माइनस 5. ठीक है, देखो यहाँ पे डी प्लस 5 लेके मैं कर रहा हूँ और ए नाइन है, डी 5 है. ठीक है, सो ए माइनस डी 9 माइनस 5 इज 4. सेकेंड टर्म तो हमारा खुद ए है, दैट इज 9. थर्ड टर्म है हमारा ए प्लस डी. ठीक है, सो ए प्लस डी क्या है, 9 प्लस 5, दैट इज 14. ऑलराइट, फर्स्ट थ्री टर्म्स आर क्या है 4, 9 एंड 14. 4, 9 एंड 14, ये तो मैंने ए, और सेकेंड केस ए 9 है लेकिन डी माइनस 5 है. ठीक है, सो इसमें क्या रहेगा फर्स्ट टर्म, यानी ए माइनस डी कितना रहेगा, 9 माइनस 5, सो 9 प्लस 5 इज 14. सेकेंड टर्म दैट इज ए क्या है, वो तो 9 ही रहेगा. थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस डी, दैट इज 9 प्लस माइनस 5, क्योंकि डी इसमें माइनस 5 है ना सेकेंड केस. ठीक है, सो 9 प्लस माइनस 5, 9 माइनस 5 इज 4. ऑल राइट, सो आंसर तो वही आ रहा है, बस यहाँ पर 4, 9, 14 था, यहाँ पे 14, 9, 4 आ रहा. ठीक है, देयरफॉर द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर ठीक है, और व्हाट आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स, 14, 9 एंड 4. ठीक है, देयरफॉर द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर 4, 9, 14, यहाँ पे द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर 14, 9 एंड 4. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. थोड़ा सा अनजूम करूँ, या फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन ए पी हूज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. ठीक है, 4 यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, और अज्यूम करने बोला है, क्या लेने बोला है, ए माइनस डी लो, ए लो, ए प्लस डी लो, ए प्लस टू डी, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म अज्यूम करो, और दो कंडीशन यहाँ पे भी दिया है. ठीक है, तो इट्स वेरी ईजी. तो दो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मैंने यहाँ जो कंसिडर जो दिया है टेक्स्ट बुक में, हमने यहाँ कॉपी किए, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी बाय द फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन से सम ऑफ
फर्स्ट कंडीशन सेज, व्हाट डज द फर्स्ट कंडीशन सेज, सम, सॉरी, हुज सम इज 12, फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म जिसका पूरा सम कितना है 12, हुज सम यानी इन चारों का सम, सम मीन्स प्लस इज 12, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेज के ये चारों कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम करना है, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, ठीक है। तो ऑल फोर का हमने क्या किया, सम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सम करके इज हाउ मच, इज इक्वल्स टू 12, इट्स गिवन, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं हो रहा, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, फोर ए, ए प्लस ए टू ए थ्री ए फोर ए, टोटल फोर ए, तो फोर ए प्लस टू डी इक्वल्स 12, ऑल राइट, फोर ए प्लस टू डी इक्वल्स टू 12, चार ए है तो फोर ए प्लस ये टू डी बचा इक्वल्स टू 12। अब इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय टू, टू से डिवाइड कर सकते हैं सबको, है ना, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय टू कर सकते हैं, यहाँ रीजन डिवाइडिंग बाय टू, ऑल राइट, रिड्यूस कर रहा हूँ मैं, सो टू वन जा टू टू जा, तो ये हो गया टू ए प्लस टू वन जा टू टू जा डी इक्वल्स, खाली डी बचा, इक्वल्स टू वन जा टू सिक्स जा इक्वल्स टू सिक्स, ऑल राइट। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। अभी मैं क्या करूँगा, सेकेंड कंडीशन देखूँगा क्या है, बाय द सेकेंड कंडीशन, बाय द सेकेंड कंडीशन, लेट्स सी टेक्स्ट बुक में सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है सम ऑफ यानी प्लस थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, सम मीन्स प्लस थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम इज 14, ऑलराइट। सो थर्ड एंड फोर्थ टर्म तो ये है ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ये थर्ड टर्म है ये फोर्थ टर्म है, इनका सम, सम मीन्स प्लस, सो ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म का सम किया फोर्थ टर्म के साथ, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम प्लस इज मीन्स इक्वल्स इज हाउ मच, इट्स गिवन 14, ठीक है। सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म ए प्लस डी, फोर्थ टर्म ए प्लस टू डी इज इक्वल्स 14। अभी ए प्लस ए अगेन 2a, डी प्लस टू डी 3d इक्वल्स टू 14, ऑल राइट, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। अभी आपको इक्वेशन वन और टू को साइमल्टेनियसली करना है, इक्वेशन वन एंड टू को वी हैव टू सॉल्व इट बाय साइमल्टेनियस मेथड, ठीक है। सो 2a प्लस डी इक्वल्स टू 6, इक्वेशन वन, मैंने इक्वेशन वन कॉपी किया यहाँ पर, और नेक्स्ट क्या है, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अभी मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए ए ऑलरेडी सेम है कोएफिशिएंट, तो मैं सिर्फ सबट्रैक्ट करूँगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो व्हाट इज दिस, आई हैव डन सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, ठीक है। मैंने यहाँ रीजन लिखा सबट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, और डिनोमिनेट और नीचे वाले इक्वेशन की सबकी साइन चेंज की, प्लस टू ए माइनस टू ए कैंसल्स, ठीक है, प्लस वन डी माइनस थ्री डी तो माइनस टू डी, वन डी माइनस थ्री डी, थ्री माइनस वन टू, बड़ा नंबर थ्री उसकी साइन माइनस, माइनस टू डी इक्वल्स टू सिक्स माइनस फोर्टीन तो माइनस एट, सिक्स माइनस फोर्टीन एट होता है, फोर्टीन बड़ा उसकी साइन माइनस तो माइनस एट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी इक्वल्स टू माइनस एट अपॉन माइनस टू, ये माइनस टू क्रॉस होके माइनस एट के नीचे गया, डिवाइड हुआ, माइनस टू कैंसल, टू वन ज़ा टू फोर ज़ा, ठीक है, सो डी इक्वल्स टू फोर, मुझे डी मिला है फोर, ठीक है। एक बार डी मिल गया, मैं डी का वैल्यू इक्वेशन वन या टू कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करूँगा, मुझे ए भी मिल जाएगा, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट, डी इक्वल्स टू फोर इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। सो सब डी इक्वल्स टू फोर इक्वेशन वन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो इक्वेशन वन क्या है हमारा, टू ए प्लस डी इक्वल्स टू सिक्स, ये हमारा इक्वेशन वन था, ठीक है। तो टू ए प्लस फोर इक्वल्स टू सिक्स, नेक्स्ट टू ए इक्वल्स टू सिक्स, फोर जंप होके उधर जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो टू ए इक्वल्स टू सिक्स माइनस फोर इज टू, सो ए इक्वल्स टू टू, ये टू क्रॉस होके इसके नीचे गया, टू अपॉन टू, टू वन ज़ा टू वन ज़ा, तो वी गॉट ए का वैल्यू वन, ए का वैल्यू हमें क्या मिला है, वन। नाउ
एक ए का वैल्यू 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स ढूंढेंगे, सॉरी। तो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए माइनस डी। ए का वैल्यू मुझे हमें मिला है 1, माइनस डी का वैल्यू है 4, तो 1 माइनस 4, व्हाट इज़ 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज़ -3, ठीक है। सेकेंड टर्म आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में भी है, सेकेंड टर्म तो ए था हमारा, ठीक है, और ए हमें मिला है 1, तो सेकेंड टर्म हमारा 1। थर्ड टर्म है हमारा ए प्लस डी, ठीक है, हमने ये अज्यूम, मतलब टेक्स्ट बुक में अज्यूम करने कहा गया है। सो ए प्लस डी, तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज़ ए 1 है और डी 4 मिला है, तो 1 प्लस 4 इज़ 5, ठीक है। और लास्ट फोर्थ टर्म क्या दिया हमें, हमें क्या लेना था, ए प्लस 2D, ठीक है, ए प्लस 2D। सो 1 प्लस, ए तो 1 है ना, 1 प्लस 2D, तो ट्वाइस ऑफ 4, ठीक है, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 4 8, 1 प्लस 8 कितना होता है, 9। तो ये मेरा फोर्थ टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा सेकेंड, और ये फर्स्ट टर्म। देयरफॉर द फोर टर्म्स आर, फर्स्ट फोर टर्म्स आर, ठीक है, फोर टर्म्स क्या है फिर, -3 कॉमा 1 कॉमा 5 कॉमा 9। ऑल राइट, सो दिस इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक मैंने कंप्लीट किया, आई होप आपको समझा है, ठीक है। ए 1 मिला था और हमें डी, दिस इज माई, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th सम। अगर 9th टर्म एपी का 0 है तो हमें शो करना है 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, ठीक है। तो मैं आपको बुक में लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन 9th कह रहा है, इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी टी 9 इज 0, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, ये गिवन है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है शो करो, देखो 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी टी 9 इज 0 गिवन, देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। तो वी हैव टू शो दैट, टू शो दैट, टी एच टी मतलब टू शो दैट, मैंने ऐसा लिखा है। हमें क्या शो दैट करने बोल रहा है, शो करो कि 29 टर्म यानी 2 20 29 इज मीन्स इक्वल, 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म, तो टी 29 इज ट्वाइस टी 19, ये हमें शो करने बोल रहा है। 9 टर्म दिया है 0, तो शो करना है टी 29 इज ट्वाइस टी 19, 29 टर्म इज ट्वाइस 19, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है। ऑल राइट, देखो टी 9 दिया है तो इसमें टी एन का फॉर्मूला यूज होगा, टी एन का फॉर्मूला है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। सो एन की जगह इधर फर्स्ट क्या है, टी 9, तो हम लोग टी नाइन लेंगे, तो टी 9 इक्वल्स टू ए प्लस 9 माइनस 1 डी। ऑल राइट, नेक्स्ट टी 9 का वैल्यू दिया है हाउ मच, इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू ए प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 डी, ठीक है। 0 इक्वल्स टू ए प्लस 8 डी, इसको मैं इक्वेशन 1 लूँगा, बाद में सब्सटीट्यूशन में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट टी 29, अब ये टू शो दैट मुझे ये इक्वल्स टू ये शो करना है, ठीक है। तो इसका एल एच एस आर एच एस भी आप ले सकते हो। सो ए प्लस 8 डी इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट हमें ये शो करना है टी 29 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी 19, तो इसका पहले हम लोग लेफ्ट साइड करेंगे फिर राइट साइड करेंगे, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टी ट्वेंटी नाइन ना, सो फॉर्मूला तो सेम है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो टी 29 इक्वल्स टू ए प्लस 29 माइनस 1 डी, ठीक है। क्या किया हमने, हमने एन की जगह पर 29 डाला है, ठीक है, टी 29 के लिए। सो टी 29 इक्वल्स टू ए प्लस 29 माइनस 1, 28 डी, ठीक है। अभी आप देखो इधर 28 डी है, यहाँ पर 8 डी है, तो 28 क्या होता है, हम थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख सकते हैं, टी 29 इक्वल्स टू ए प्लस 28 डी मीन्स 8 डी प्लस 20 डी, करेक्ट, 28 डी इक्वल्स टू 8 डी प्लस 10 डी,
सो T29 इक्वल्स टू, आप ये पार्ट a प्लस 8d तो क्या होता है 0, तो T29 इक्वल्स टू 0 प्लस 20d, ठीक है, T29 इक्वल्स टू 0 प्लस 20d, कहाँ से आया, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 के हिसाब से हमने a प्लस 8d को 0 सब्स्टिट्यूट किया, सो T29 हमें मिला 20d, राइट, ये T29 मतलब हमारा लेफ्ट साइड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, RHS राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड दिया है ट्वाइस टी नाइनटीन, T19 क्या है, T19 का फॉर्मूला डालते हैं पहले, ट्वाइस ऑफ T19 यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ T19 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ या ए प्लस 19 माइनस 1 डी, ठीक है, ऑलराइट, स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस, तो 2 2 डाला और T19 का वैल्यू ए प्लस 19 माइनस 1 डी, T19 का ए प्लस 19 माइनस 1 डी और 2 ये जो बाहर है, ठीक है, सो 2 ब्रैकेट ए प्लस 19 माइनस 1 18 डी, ऑलराइट। नेक्स्ट इधर भी स्प्लिट करेंगे, 18 डी क्या होता है, देखो हम लोग को ये 8 करना है ना, 8 ए प्लस 8 डी, तो 18 क्या होता है, 8 प्लस 10 प्लस 8, ठीक है, ब्लर हुआ है, सो ट्वाइस ऑफ ए प्लस 18 को स्प्लिट करेंगे क्या आएगा, 8d प्लस 10d, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप ट्वाइस ऑफ ए प्लस 8d, हाउ मच, व्हाट इज ए प्लस 8d, इक्वेशन 1 के हिसाब से ए प्लस 8d क्या है, 0, तो ट्वाइस ऑफ 0 प्लस 10 डी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 प्लस 10 10 10 डी, 0 प्लस एनीथिंग तो जो है वही रहेगा, 0 प्लस 10 डी तो 10 डी रहेगा, ट्वाइस ऑफ 10 डी कितना होता है, ट्वाइस ऑफ 10 डी इज 20 डी, ठीक है, 20 डी। अच्छा ये मेरा इक्वेशन 1 तो मैंने इसको डाला था, अच्छा T29 भी आया था 20 डी, इक्वेशन 2, और ये है मेरा ट्वाइस ऑफ T19, देखो ये जो मैंने सॉल्व किया है ये ट्वाइस ऑफ T19 है, ट्वाइस ऑफ T19, तो ट्वाइस ऑफ T19 क्या आया, 20 डी, दोनों इक्वल्स टू 20 डी आ रहा है, T29 भी 20 डी आया और ट्वाइस ऑफ T19 भी 20 डी आया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से, फ्रॉम 2 एंड 3 सॉरी, फ्रॉम 2 एंड 3, ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS, 2 और 3 के हिसाब से LHS RHS इक्वल है, देयरफॉर T29 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T19, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, T29 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T19, हेंस प्रूफ या जो शो दैट करना था वो आ गया मेरा, ठीक है, बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 3.3, लास्ट सम था, ये तीनों स्टार मार्क, चारों स्टार मार्क क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट समझ के चलो, सो बाय दैट आई हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 3.3, लेंथी प्रैक्टिस सेट है, इसके लिए 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है, सो ये वीडियो का 2nd पार्ट था, ऑलराइट, आई होप वीडियो समझा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसके बाद 3.4 है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, थैंक यू।